नमस्कार सभी को। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज। अब देखिए, आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया और उसका रेडियस दे दिया गया है। क्या रेडियस दिया है? 1.6 × 10⁻⁴ मीटर इसका रेडियस दिया गया है। वॉट विल बी इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम? अब आपसे एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू पूछी गई क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो एंगस्ट्रॉम जो है छोटी यूनिट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 मीटर में 10⁻¹ एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम में देखा जाए कि कितना मीटर होता है, तो कहेंगे 10⁻¹ मीटर होता है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मीटर दिया है, और किस में कन्वर्ट करना है? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा? सिंपल 10⁻¹ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे 1.6 एज इट इज उतर जाएगा, और साथ ही साथ 10⁻⁴ आ जाएगा, और यहाँ क्या कर दीजिए, 10⁻¹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, जब आप 10⁻¹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 10⁻⁴ है, और बगल में 10⁻⁴ है, और दूसरा 10⁻¹ है। जब बेसिस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर -4 और ये 10 ऐड होके 6 बना देगा। तो क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁶, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁶ कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसलिए पहले का ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, हाउ मच माइक्रो सेकेंड विल बी देयर इन अ मिनट। तो 1 मिनट में पूछा गया है कितने माइक्रो सेकेंड होंगे, ठीक है। सिंपल है, भी कठिन नहीं है। तो पहले समझिए कि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं। तो आपको पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, तो 10⁻⁶ माइक्रो सेकंड होते हैं। जब भी आपको ये म्यू दिखाई पड़े, तो म्यू का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। जैसे 1 मीटर में पूछा जाए कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड अगर आप देखेंगे तो 10⁻⁶ सेकेंड्स मिल जाएंगे। 1 सेकेंड में 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड होते हैं। अब यहाँ पर 60 सेकेंड्स हैं, तो 60 में कितने हो जाएंगे, तो 60 × 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक जीरो ए भी है, और यहाँ पर 6 पहले से है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁷ माइक्रो सेकेंड। अब आप देख लीजिए, 6 × 10⁻⁷ यहाँ पर बी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रो, अब देखिए यहाँ पर मीटर नहीं लगाया, इसको लगा देते हैं, 1 माइक्रोमीटर की यहाँ पर बात हो रही है। बैक्टीरिया का साइज दिया गया है 1 माइक्रोमीटर। आपको पता होगा बैक्टीरिया नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। हाउ मैनी बैक्टीरियाज विल बी देयर इन अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे। एक लेंथ दी गई है 1 मीटर की, एक का साइज पता है आपको, एक बैक्टीरिया का क्या है, और पूरी लेंथ दे दी गई है। आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बताने के लिए सिंपल सा काम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको बताना है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया का फॉर्मूला लगा दी, क्या लग जाएगा, तो टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ क्या होगी वो, और किससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ ऑफ 1 बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ 1 बैक्टीरिया। अब टोटल लेंथ देख लीजिए क्या दी गई, टोटल लेंथ दी गई 1 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर भी तो लिख सकते हैं 1 मीटर को, तो इसको लिख दिया 10⁻⁶ माइक्रोमीटर अपॉन एक बैक्टीरिया की लेंथ क्या है, तो 1 माइक्रोमीटर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइक्रोमीटर। अब देखिए, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कट गया, आंसर क्या बचा, 10⁻⁶। इसका मतलब उस पूरी लेंथ में, 1 मीटर की लेंथ में कितने बैक्टीरिया हैं, तो 10⁻⁶ बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, अ लाइट टेक्स 5 ईयर टू रीच द अर्थ फ्रॉम अ स्टार। तो एक स्टार से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, कहा गया है 5 साल लग रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ इन किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको साल जो है, अब यहाँ पर लाइट ईयर बता, तो स्टार और अर्थ के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको 1 लाइट ईयर में पता नहीं है कि कितना किलोमीटर होता है, तब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो पहले समझ लीजिए कि 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो देखिए, 1 लाइट ईयर में अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ठीक है, 9.46 × 10⁻½ किलोमीटर, इतना किलोमीटर होता है 1 लाइट ईयर में।
अब आपको कितने ईयर दिए गए हैं, पांच ईयर दिया है, इसका मतलब 5 लाइट ईयर आपको दिया गया है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो सिंपल काम करना है कि 1 वाले 5 वाले को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9.46 इंटू 10^12 एज इट इज उतार दीजिए, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.73 इंटू 10^13 किलोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कहा गया, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। तो पहली चीज क्या दे दी गई, एक डिवीजन की वैल्यू दी गई है, किसकी, मेन स्केल की। तो याद रखिएगा मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए स्केल जो वर्नियर स्केल है उसकी जो डिवीजन की वैल्यू दी गई है वो 0.9 सेंटीमीटर है। तो एक स्केल की पहले आप इसकी रीडिंग निकालिए कि वर्नियर के एक स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.9 तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.09 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग दी गई है एक स्केल, एक मेन स्केल की जो एक डिवीजन की रीडिंग है वो है 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर का आप अगर देखेंगे, देखिए मेन स्केल का 0.1 हो गया और वर्नियर स्केल का हो गया 0.09। वर्नियर कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल 0.1 को इससे सबट्रैक्ट कर दीजिए 0.09 से, तो आ जाएगा 0.1 माइनस 0.09, ठीक है। दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, केल्विन इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, केल्विन किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो सबको पता होगा केल्विन किस यूनिट है, तो केल्विन अगर देखा जाए तो टेम्परेचर की यूनिट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। केल्विन हो, सेल्सियस हो, फेरनहाइट हो, सभी जो है टेम्परेचर की यूनिट है। करंट की यूनिट क्या होती है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ये भी आपको पता होगा, करंट की यूनिट है एम्पियर। और हीट की अगर यूनिट पूछी है तो हीट की होती है जूल, ठीक है। आपको जूल दिया जाए तो जूल पे भी आप टिक लगा सकते हैं, कैलोरीज दिया जाए तो कैलोरी भी इसकी यूनिट होती है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, पार्टिकल ट्रेवल्स 1260 मीटर इन 17 सेकेंड, सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या बताना है इसकी आपको, वॉट विल बी इट्स स्पीड, यहाँ पर हो छूट गया है, यहाँ पर होना चाहिए वॉट विल बी इट्स स्पीड। तो आपको स्पीड बतानी है, जो पार्टिकल है उसकी स्पीड बतानी है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब पहले समझिए यहाँ पर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको कोई फॉर्मूले से सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको वैल्यू निकालनी होती है, तो वो देखा करिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये डिस्टेंस दी गई है 1260 मीटर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, 1260 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 17 दिया गया है, 17 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मीटर भी लगा हुआ है तो इसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर मीटर ना लगा होता तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते, लेकिन क्योंकि मीटर लगा दिया गया तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसके बाद जो टाइम दिया गया 17 सेकेंड्स, इसका मतलब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 2। तो ज़्यादा किस में है, डिस्टेंस में, कम किस में है, टाइम में। जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपका आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा, इसका मतलब आप लोग आंसर कितने तक बताएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप आंसर बताएंगे। तो सिंपल सा काम करना है, 1260 को स्पीड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। 1260 आपकी डिस्टेंस है और टाइम कितना दे दिया है, 17 टाइम है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर 74.11 आएगा। कितना आएगा, 74.11 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आपको आंसर नहीं लेके चलना है क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। अब राउंड ऑफ कैसे किया जाए, तो राउंड ऑफ के लिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर 74 अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू मानी आ सकती है, तो 74 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74.11 ना लगा दिएगा वरना गलत हो जाएगा। अगले पे आते हैं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है। तो आपको पता होगा लाइट ईयर, याद रखिएगा ईयर है तो टाइम से ना लगा दिएगा कि टाइम की यूनिट होती है, क्योंकि बच्चे अक्सर यही करते हैं कि लाइट ईयर हो, ठीक है, मंथ हो, तो मंथ नहीं पूछा जाएगा आपसे, लाइट ईयर ही पूछा जाएगा। लेकिन लाइट ईयर याद रखिएगा किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। अभी हमने आपको बताया भी था लाइट ईयर होता क्या है, कि एक ईयर में, मतलब 1 ईयर का मतलब 365 डेज में
अगर लाइट को ट्रेवल कराया जाए कहीं पे, तो कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उसी को क्या कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। अब एम्पियर किस यूनिट में है, तो एमकेएस यूनिट है, ठीक है। एमकेएस यूनिट में जो करंट यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। अब एम क्या होता है, मीटर, के क्या है, किलोग्राम, एस क्या है, सेकेंड है, ठीक है। एम्पियर किस यूनिट है, लेकिन करंट की यूनिट है। अगले सवाल पे आते हैं, ये हमारा आज का फिलहाल अभी आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इफ़ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 × 10²⁶ ग्राम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है 9.11 × 10²⁶। आपसे पूछा गया 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं लिए, इसका मास देखा 1 ग्राम था, तो आपको बताना है 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बताया जाएगा, तो 1 ग्राम को आप न्यूमरेटर में रख लीजिए, क्योंकि इतने का हम लोग को चेक करना है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक का। अब एक का मास कितना है, एक का मास है 9.11 × 10²⁶, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ग्राम नीचे भी होगा। अब ग्राम और ग्राम देखिए कट गया, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। और इसका अगर आंसर देखेंगे तो 1.1 × 10²⁶ इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग ने कुछ डिस्कस किए, इसके अलावा और भी बहुत सारे MCQs अब आते रहेंगे, और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इस टॉपिक्स की, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।